Hello friends, how are you? This is Special Initiative on Environment and Ecology for Civil Services Preliminary 2017. This is a post-mortem on insights, special issues on current affairs. And this is hit list topic number 27. So today's topic is Giant African Land Snail, GALS and Pika. So now the question starts now. This is question number one. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, has listed giant. जैसा कि आपको पता होगा कि इस question के बाद मैं answer नहीं बताऊंगा अभी, पहले मैं explanation देखेंगे जो हमारे topic है, उसके बाद हम फिर question पे जाएंगे और फिर answer बताएंगे. तो हमारा question शुरुआत हो रहा है number one. IUCN has listed giant African land snail as, क्या बताया है इसको, vulnerable बताया है, near threatened बताया है, endangered बताया है, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्वेसिव स्पेसीज के बारे में बताया है इसको. क्या बताया इसको? सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज ऑफ पिका. दे लिव इन द माउंटेन्स और इन टेम्परेट रीजन्स. दे हाइबरनेट इन कोल्ड क्लाइमेट्स. दे आर ए की स्टोन स्पेसीज एंड इकोसिस्टम इंजीनियर्स. जब भी कहीं आपको स्पीड लगे आप वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आगे ना जाए, कोशिश करें सॉल्व करने की. क्वेश्चन नंबर थ्री, न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज ऑफ पिका बिलोंग टू फैमिली ऑफ रैबिट्स, रैट्स, मंगूस, नन ऑफ द अबव. नाउ गो टू द टॉपिक. इन्वेसिव स्पेसीज ऑफ जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल वॉज साइटेड नियर गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस एट टेलीगांव प्लेटो. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN हैज लिस्टेड गल्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्वेसिव स्पेसीज. पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन, एंड दे आर नोन टू बी डेंजरस एज दे कैन रिप्रोड्यूस फास्टर एंड टेक ओवर एंटायर इकोसिस्टम. दे एक्ट एज पोटेंशियल थ्रेट टू एग्रो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, एग्रो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड लोकल फ्लोरा इन गोवा. कुड ऑल्सो डिस्प्लेस लोकल लैंड स्नेल्स. ये किसको, लोकल जो लैंड स्नेल्स होते हैं उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं. एंड पोज ए हेल्थ थ्रेट एज दे आर वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज सच एज ब्रेन फीवर. ये देखो ऐसे दिखते भाई. न्यू स्पेसीज ऑफ पीका. अब इस पीका के देखते हैं, यह है पीका, इसको थोड़ा देखो आप, चूहे जैसा दिख रहा है, बट है ये रैबिट की फैमिली का. नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ पीका, ए मैमल बिलोंगिंग टू द रैबिट एंड हेयर फैमिली. रैबिट एंड हेयर फैमिली का है, इसको रैट ना समझा जाए. दे लुक लाइक रैट्स. दे वर डिस्कवर्ड इन हिमालयाज इन सिक्किम एंड इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ओकोटोना सिक्किमेरिया. इट इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द अदर पीका. ये थोड़ा और पीका से अलग है. एंड जेनेटिकली एंड नॉट इन फिजिकल ऑब्जर्वेशन. फिजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं दिखते हैं ये लोग. पिकाज आर मेंबर्स ऑफ द रैबिट फैमिली एंड लुक लाइक टेललेस रैट्स. टेललेस रैट की तरह दिखते हैं, लेकिन है ये कौन से, ये रैबिट फैमिली से है. दे लिव इन माउंटेन्स और इन टेम्परेट रीजन. वेरी इंपॉर्टेंट, माउंटेन्स एंड टेम्परेट रीजन पर रहते हैं. एंड दे डू नॉट हाइबरनेट अनलाइक अदर मेमेलियन स्पीसीज इनहेबिटिंग सच कोल्ड क्लाइमेट्स. एंड दे आर दी की स्टोन स्पेसीज एंड इकोसिस्टम इंजीनियर्स. की स्टोन स्पेसीज का मतलब होता है सबसे मुख्य भूमिका में होते हैं. अगर ये ना हो उस एरिया में, उस इकोसिस्टम में, तो पूरा पूरा जो फूड चेन है वो सिस्टम डैमेज हो सकता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है. इसीलिए इसको बोलते हैं की स्टोन. क्या क्या चीजें हमें याद रखना है, हमें याद रखना है कि ये पहली बात तो रैबिट फैमिली से है, राइट. दूसरी बात हमें याद रखनी है कि दे लुक लाइक टेललेस रैट्स. तीसरी बात हमें याद रखनी है कि माउंटेन्स और टेम्परेट रीजन्स में ये पाए जाते हैं. चौथी बात हमें क्या याद रखनी है कि दे डू नॉट हाइबरनेट. ये छुप सो नहीं जाते हैं, जब ठंडी बहुत पड़ती है तो जमीन में घुस के 3 महीने 4 महीने के लिए अंदर नहीं घुस जाते, बल्कि दे लुक, दे आर वेरी नॉर्मल और दे आर द की स्टोन स्पेसीज. इतनी बातें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources has listed giant African land snails as vulnerable, near threatened, endangered, one of the world's 100 most invasive species. D. Which of the following is correct?
regarding newly discovered species of pika. They live in the mountains or in temperate regions. They hibernate in cold climates. पहला सही है कि नहीं? They live in a mountains and in or in temperate regions. Yes, ये सही है. They hibernate in cold climates. गलत है. They are a keystone species and ecosystem engineers. बिल्कुल सही है. 1 and 3 option C. Newly discovered species of pika belong to family of rabbits, not rats. So thank you very much for watching this video. Please subscribe for complete current affairs preparation for preliminary 2017. And please visit our website stepupwise.com for practice. And please revise your notes, especially for my students, and get success. Thank you very much.